हेलो स्टूडेंट्स हाय एंड वेलकम टू अन अकेडमी सेपियंस माय डियर स्टूडेंट्स वी आर अगेन बैक विद द पार्ट टू फॉर नेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन रेप्लिका टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स ये जो सेशन है ये सेशन एक्चुअली आज शाम इवनिंग में सिक्स थर्टी में कंडक्ट होने वाला था बट देयर वाज सम टेक्निकल एरर दैट्स वाई स्टूडेंट्स आई रीशेड्यूल दिस टू नाउ माई डियर स्टूडेंट्स अभी आप बताएंगे अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आई एम ऑडिबल आई एम विजिबल एवरीथिंग इज परफेक्ट माई डियर स्टूडेंट्स हाई एवरी वन प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर सब कुछ ठीक है सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस बहुत ही बेहतरीन सा सेशन माई डियर स्टूडेंट्स हाई सदाम अंसारी एवरीबडी थोड़ा सा आपके कमेंट्स जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं ओके okay, सर हेलो रोहन एवरीबडी सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन दिस सेशन इससे पहले कि और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट्स इस सेशन के लिंक को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इस सेशन को ज्वाइन कर ले और तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो कि अन की तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किया जा रहा है इसका नेक्स्ट टेस्ट फर्स्ट सेप्टेंबर को होगा तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जरूर एनरोल कर ले और अगर आपने एनरोल कर लिया है तो टेस्ट को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टेस्ट अगेन स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है यहां पे आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट्स हर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे आपके परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और साथ साथ में स्टूडेंट्स ये जो हमारा पैटर्न है इस टेस्ट का हम लोगों ने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रखने का टू द नेट 2021 रियल एग्जाम्स ओके सो माय डियर स्टूडेंट जरूर और जरूर इसके लिए एनरोल करेंगे आप देखिए सर पहला टेस्ट 28 अगस्त को था सेकेंड सितंबर फर्स्ट को है उसके बाद सितंबर फोर सितंबर सेवन एंड सितंबर नाइन सभी के सभी टेस्ट स्टूडेंट्स फुल सिलेबस टेस्ट है एनरोल करेंगे ना तो आपसे स्टूडेंट्स एक कोड मांगा जाएगा कि सर एक रेफरल कोड बताइए तो स्टूडेंट जो रेफरल कोड होगा वो कोड है स्टूडेंट्स आर के सर लाइव ठीक है तो इस कोड को याद रखिएगा ऐसे आपको पता भी होगा सर क्योंकि मैं अपने सारे क्लासेस में इस कोड के बारे में बताता हूं तो आर के सर लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और इसके लिए अपने आप को एनरोल करना है चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर वेरी वेरी ब्यूटिफुल टेस्ट आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले एक महीने में स्टूडेंट्स मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको हमारे इस चैनल अनकेडमी सेपियंस पे कराए हैं या फिर हमारा जो अनअकेडमी स्पेशल क्लासेस होते हैं वहां पर मैंने आपको कराए हैं तो स्टूडेंट्स उन सभी क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कीजिएगा एंड यू विल फाइंड दैट मिनिमम स्टूडेंट्स एट्टी परसेंट क्वेश्चन टू कम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म फ्रॉम दिस सीरीज फॉर स्योर ओके सो लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन द टेस्ट हेयर हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन कोशिश कीजिएगा सबसे पहले सही आंसर करने का जो भी लोग यहां पे सही आंसर करेंगे उनका नाम लिया जाएगा यू विल फील मोटिवेटेड बट मैं भी मोटिवेटेड फील करूं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है माई डेयर स्टूडेंट्स कि जल्दी से लाइक like बटन को शेयर को प्रेस कर दे स्टूडेंट्स और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से स्टूडेंट्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ओके तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से कर लीजिए और मैं थोड़ा सा लिंक्स को भी शेयर कर देता हूं ताकि और लोग हमें ज्वाइन कर ले क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सर आ गए हैं एवरी वन इज वेरी बिजी विथ इट्स प्रिपरेशन ओके और होना भी चाहिए बिकॉज रियली द एग्जाम्स आर वेरी वेरी क्लोज नाउ ओके चलो सर तो अब सब जगह शेयर भी कर दिया लेट्स बिगिन अब धीरे धीरे लोग खुद पे खुद चले आएंगे चलिए सर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू सभी लोगों के लिए हमारा पहला क्वेश्चन चले आया भाई आ जाओ कहां छुपे हो ओके सर सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस ये रहा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन फॉर एवरी वन वेन सेल्स आर कल्चर्ड इन अ मीडियम वेयर लैक्टोज इज एबसेंट द आई जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर एम आर एन आखिर क्यों भाई ऐसा ये क्यों कर रहा है जब लैक्टोज है ही नहीं तो आई जीन इज स्टिल कोडिंग फॉर अ रिप्रेसर एमआरएनए माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द रीजन कम ऑन जल्द से जल्द सही आंसर बताएंगे मेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड मुंतजीर आलम रत्ना प्रभा अमित कुमार रोहन अंजू अजीज ऑलमोस्ट सभी लोगों का सही जवाब है क्योंकि सर ये जो हमारा आई जीन होता है ना इसे एनवायरनमेंट से कोई मतलब ही नहीं है दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन याद देखिए जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं दे ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप कोडिंग दे ऑलवेज स्टूडेंट्स कीप कोडिंग माई डिया स्टूडेंट्स क्या आप मेरे को इन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का दूसरा नाम बता सकते हैं कि आखिर इन्हें हम लोग और क्या बोलते हैं वॉट आर दे ऑल्सो कॉल्ड कमऑन स्टूडेंट्स स्टिट्यूटिव जीन को हम लोग और क्या बोलते हैं कैन यू टेल मी दिस वेडिंग फॉर योर रिप्लाई हाई समीमा आजीज ओके वेरी गुड क्रेजी कैट लेडी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस कीपिंग जीन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस कीपिंग जीन्स ओके लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द नेचुरली इनकॉम्पिटिबल प्लांट्स पोटैटो एंड टोमैटो कैन बी अचीव माई डियर स्टूडेंट्स हाउ कैन वी कैन हाइब्रिडाइज अ पोटैटो विथ अ टोमैटो किस टेक्नोलॉजी से यह किया जा सकता है ओके स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर योर एंसर्स हेयर कम ऑन बी क्विक एवरी बड़ी द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द नेचुरली इनकॉम्पिटेबल प्लांट्स द पोटैटो एंड द टोमैटो कैन बी अचीव ट्रू एंड वेरी गुड अमित कुमार शिवानी उज्जवल एंड सिद्धि अग्रवाल दीक्षा पल्लवी की स इट हैज बीन डन बाय द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ओके माय डियर स्टूडेंट्स सबको पता है कि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें हम लोग फ्यूजन करते हैं तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर दिस फ्यूजन कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे बिच केमिकल इज यूज फॉर दिस फ्यूजन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई स्टूडेंट्स बिच केमिकल इज यूज फॉर दिस फ्यूजन वेरी गुड वेरी गुड विद्याधारा मुदुली द करेक्ट आंसर हेयर इज द पोली थीन ग्लाइकोल द पी ई जी एक्सेलेंट ओके लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर ओके इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट सम वेयर ये थोड़ा सा गलती है यहां पर समव वेयर एक्सट्रीमली टॉल एंड रिमेनिंग वेयर एक्सट्रीमली डु ऑफ नो प्लांट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोड इंटरमीडिएट हाइट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इन द एप केस माइडियर स्टूडेंट्स मेरे को सही जवाब बताएंगे कि आखिर हम लोग किस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक ऐसा फॉरेस्ट है या तो वहां पर छोटे साइज के प्लांट्स हैं या तो केवल और केवल टॉल साइज के प्लांट्स हैं वट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज देयर वेरी वेरी गुड माइ डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट एंसर फॉर दिस इज अ डिसरप्टि टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगेन आई एम आस्किंग यू वट इज दिस नेशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका दूसरा नाम क्या है वॉट इज दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट्स इस डिस्क्रप्टिव सिलेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है वेटिंग फॉर योर रिप्लाइस कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी रितनेस हंसदा सागा अजीज ऊसा ओके सर अभी तक एंसर नहीं आए हैं अभी तक एंसर्स नहीं आए हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्सिफाइंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्सिफाइंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओके वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स नाउ लेट लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आउट देयर ओके गो फॉर दिस वन इसको देखिए सर identify the technique that helps to raise the virus free plants in the next generation from the virus infected plant abhi generation mein jo plant hai wo virus infected hai i need to raise a virus free plant किस टाइप का स्टूडेंट्स मेरे को टेक्निक का यूज करना चाहिए ओके very वेरी गुड विद्याधारा उज्जवल मुंतजीर सागा श्वेता रोहन शिवानी समीमा क्रेजी अंजू ईसा तिवारी वेरी गुड सर यू गो फॉर द मेरिस्टम कल्चर याद देखिए स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू ऑप्टेन द वायरस फ्री प्लांट्स अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा ये सीरीज चल रहा है इस सीरीज में मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दू मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं जिनका कि निट में आने का चांसेस हाई ही नहीं बहुत हाई है अगेन आई रिपीट कि किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा जो भी मैंने आपको लास्ट वन मंथ में कराया है यू विल बी द मोस्ट हैपीएस्ट पर्सन इन द एग्जाम हॉल ओके लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन हेयर ये रहा आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन वाइट रस्ट रजिस्टेंट वेराइटी ऑफ द ब्रासिका माई डियर स्टूडेंट्स हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं वाइट रस्ट रजिस्टेंट वेराइटी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट माइडियर स्टूडेंट्स कैन यू एंसर मी दिस प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन स्टूडेंट वेडिंग फॉर योर रिप्लाईज व्हाइट रस्ट रजिस्टेंट वेराइटी ऑफ द ब्रासिका एंड ऑलमोस्ट सभी लोगों का सही जवाब है सर जी दिस इज गोइंग टू बी पूर्णिम आउट देर दिस इज गोइंग टू बी द पूर्णिम आउट देअ दिस इज असिका का वेराइटी विच इज रेजिस्टेंट टू द वाइट वस्ट कैन यू टैल मी माई डियर स्टूडेंट्स कैन यू टैल मी की जो पूसा सुभ्रा है ये आखिर किस चीज की वेराइटी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पूसा सुभ्रा आखिर किस चीज की वेराइटी है कमॉन टेलमी दिस कमॉन टेलमी दिस ओके कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आंसर करिए देखिए ऐसा होना चाहिए कि विदाउट सीइंग द ऑप्शन आल्सो यू शुड बी एबल टू रिकॉल एंड व्हाट आई कैन सी हेयर पटेल सर एंड उज्जवल वेरी वेरी गुड सो दिस इज अ वेराइटी ऑफ द कॉलीफ्लावर आउट देयर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस माई डियर स्टूडेंट्स बायोलिस्टिक मेथड इज सुटेबल फॉर जीन ट्रांसफर इन टू बिच टाइप ऑफ सेल्स बायोलिस्टिक मेथड को किस तरह के सेल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज करना पसंद करोगे ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स एंसर मी दिस बेहतरीन सा क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर कमिंग अप हेयर वेरी वेरी गुड सर दैट द बायोलिस्टिक मेथड इज यूज फॉर द प्लांट सेल्स आउट देयर ओके याद रखिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट ट्रांसफर करना है जीन को विदाउट यूजिंग अ वेक्टर तो आपको आंसर करना है बायोलिस्टिक इन केस ऑफ द प्लांट सेल और अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे एनिमल सेल के लिए पूछूं तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट द माइक्रो इंजेक्शन ठीक है याद रखिएगा आपका आंसर होगा द माइक्रो इंजेक्शन मेथड इन द एनिमल सेल्स ओके वेरी वेरी गुड सर लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन इसको देखिए इन द आर एन ए इंटरफरेंस इन द आर एन ए इंटरफरेंस द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स वॉट कम ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन कि अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल हो जाता है तो फिर क्या होगा क्या प्रिवेंट होगा ओके वेरी वेरी गुड कमिंग आंसर्स कमिंग अप हेयर विद्याधारा क्रेजी रत्ना प्रभा ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही जवाब दिया याद देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो इसके ऊपर जो कोडोन्स होते हैं उसे रीड किया जा सकता है और इसका ट्रांसलेशन हो सकता है लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये एक डबल स्टैंडर्ड हो गया तो ये एक बंद किताब हो जाएगी याद रखिए स्टूडेंट्स कि किस बुक को हम लोग रीड कर सकते हैं जो किताब खुली हो अगर आर एन ए डबल स्टैंड हो गया तो उसे आप रीड नहीं कर सकते दैट इज वाई उसका अब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा एंड दैट इज गोइंग टू स्टॉप हेयर ओके चलिए लेट अस सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस माई डियर स्टूडेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ द बीपी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल द लेटर आर डिनोट्स आर जो होता है स्टूडेंट्स उस इक्वेशन में वो आखिर क्या इंडिकेट करता है कम ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी दिस कम ऑन माई डियर स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इसका एंसर करेंगे दैट द लेटर आर डी नोट वॉट वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज ओके वेरी गुड शिवानी सिंह सागा आजीज मुकेश प्रधान सर ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट सर दिस इज कॉल्ड एज द एंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्वीज ओके डियर uh, स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों ने सही बताया और इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है तो दिस इज द बर्थ रेट माइनस द डेथ रेट बी माइनस टी बट क्या आपने कभी भी ये सोचा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज दिस एक्सटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा एनसीआर हैज रिटर्न अबाउट द इंट्रेंसिक कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एक्सटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स वेटिंग फॉर योर कमेंट्स

तो इंट्रेंसिक जब बोलता है ना तो वो केवल बात करता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में और जब आप एक्सटेंसिक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेशन एंड द एमिग्रेशन गॉट दिस तो इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा कि कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज एक्सटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ तो यू हैव टू आंसर दैट ओके वेरी वेरी गुड सर लेट एस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द गि कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स इन द पी सी आर आइडेंटिफाई द टैक पॉलिमरेज डिपेंडेंट स्टेप्स आपको बताना है कि आखिर किन किन स्टेप्स में टैक पॉलिमरेज की रिक्वायरमेंट होती है ओके कम ऑनसर पिकअप द करेक्ट आंसर है वेडिंग फॉर योर प्यारे प्यारे से रिप्लाइस फ्रॉम द गि कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप इन द पीसीआर आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन विच द टैक पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड सो स्टूडेंट्स याद देखिए टैग पॉलीमरेज केवल और केवल एक ही स्टेप पे काम आता है <coughs> वो कौन सा स्टेप है वो स्टेप है आपका ओनली वन स्टेप द लास्ट वन दैट इज द एक्सटेंशन वन ठीक है याद रखिए ओनली एंड ओनली एक्सटेंशन ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट हेयर वेरी गुड लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस वन द ऑर्गेनिज्म विच इनवेट्स अ वे एरिया टू इनिशिएट एन इकोलॉजिकल सक्सेसन इसे हम लोग क्या बोलते हैं माई डियर स्टूडेंट्स द ऑर्गेनिज्म विच इनवेट्स अ व एरिया टू इनिशिएट एन इकोलॉजिकल सक्सेसन आर नोन एज वट ओके कविंद्र महक विद्याधारा क्रेजी प्रसन्ना स दीज स्पीसी आर कॉल्ड एज द पायोनियर स्पीसी या देखिए जो सबसे पहला स्पीसी आता है वो तुम्हारा पायोनियर स्पीसीस होता है माई डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जितने भी स्पीसीज यहां पे दिए गए हैं इन सभी में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसी कौन होता है इन सभी में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसी कौन होता है कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताएंगे बिच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्पीसी आउट देयर इन अमंग ऑल देम ओके सर दिस क्या बात है भाई कमेंट सेक्शन बड़ा स्लो है कमेंट सेक्शन बड़ा स्लो है सर वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज वेटिंग फॉर योर रिप्लाइस भगीसा गोस्वामी ने एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन आज मैं आंसर नहीं दूंगा भगीसा गोस्वामी है आपने आज एक अच्छा कमेंट नहीं किया था मैंने देखा था उं? ओके सो स्टूडेंट्स याद देखिए देखो जो पायूनियर होता है ना वो मोस्ट अनस्टेबल होता है इसीलिए मैं आज, आज आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मोस्ट अनस्टेबल ठीक है दिस इज मोस्ट अनस्टेबल और जो क्लाइमेक्स होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है ठीक है चलो सर चलिए सर जी देखिए आज वैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि जो 630 वाला क्लास था मैं कहीं चला गया था या फिर मैं प्रेजेंट नहीं था इस कारण से नहीं हो पाया ठीक है देखिए सर ये जो टेक्नोलॉजी है ना सर ये हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 परसेंट हमेशा अप रहे ठीक है लेकिन YouTube के ऊपर जो क्लासेस होते हैं वो केवल अन एकेडमी से नहीं चलती है वो YouTube से भी चलती है तो कभी कभी YouTube का सिस्टम भी खराब होता है तो वी हैड एवरी करेक्ट हमारे पास पावर थी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल थी इंटरनेट अवेलेबल थी सारा सिस्टम अवेलेबल था मैं अवेलेबल था आई वॉज ट्राइंग ऑल्सो एंड आई वॉज कमेंटिंग ऑल्सो बट यूट्यूब पे जो हमारा स्टूडेंट्स एक पार्टिकुलर एक कोड होता है वो कोड डालने के बाद भी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी फिर भी सर मैंने देखा कि कुछ लोग उन्होंने सर दिस इज चीटिंग सर दिस इज डैड सर दिस इज डैड सर अरे यार कभी कभी आपको भी समझना चाहिए ठीक है चलिए सर जी लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर स्टूडेंट्स लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गो फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एज पिरामिड रिप्रेजेंटेड बिलो फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक है आपको स्टूडेंट्स यहां पे किस टाइप का पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाया गया है इन दिस पिरामिड ओके come on sir answer me this question here waiting for your replies and uh, good number of people are answering this here uh, crazy you got it wrong madam you got it wrong here okay there are many people who are getting this wrong i really don't know why i really don't know why why you people are not giving the correct answer here this is going to be a declining population this is going to be a declining population थोड़ा सा चश्मा लगा के देखो यार अगर नहीं दिख रहा तो क्यों गलती किया इस क्वेश्चन में आप देखो आपको यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम दिखाया गया है रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा दिखाया गया है तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कौन डिसाइड करता है वो रिप्रोडक्टिव डिसाइड करता है तो मान लीजिए कि आज ज्यादा लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो पॉपुलेशन बड़ा है लेकिन कल को दिस पॉपुलेशन बिल बी रिप्लेस्ड बाय द प्री रिप्रोडक्टिव तो इनका नंबर तो कम है तो जब ये यहां पे पहुंचेंगे तो उतने रेट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस है द पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन द करेक्ट आंसर हेयर इज द डी नंबर ओके सर जिन लोगों ने भी गलत किया है कान पकड़ के खड़े हो जाएंगे ठीक है ओके सर वेरी वेरी गुड अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर गो फॉर दिस ओके इसको देखिए सर बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सी टू कंजर्वेशन ओके सर जी नीट uh, सर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वन यूट्यूब पे ऑलरेडी किसी टीचर ने एनालाइज किया होगा निट जो भी स्टूडेंट है ऑलरेडी अन अकेडमी के टीचर्स ने उसे किया होगा ना सर अब एक ही चीज दो दो बार अच्छा नहीं लगता चलो चलो आंसर बताओ आंसर बताओ मेरे को इसका ओके okay, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सीटू बोटेनिकल गार्डन दैट इज गोइंग टू बी व्हाट दिस इज गोइंग टू बी अक्सी टू आउट देयर ठीक है दिस इज गोइंग टू बी द एक्ससी टू आउट देयर ठीक है चलो सर एक साउट आउट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही एनसीआरटी में एनसीआरटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कितना नंबर दिया हुआ है इन in इंडिया एनसीआरटी में जो दिया हुआ है वो बताइए में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ है कितना नंबर दिया हुआ है अलग बात है कि नंबर है चेंज बट जब भी एनसीआरटी में लिखा गया है जो भी लिखा गया है वो नंबर बताइए हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ द सेंचुरी वेरी वेरी गुड सर 448 वेरी गुड वेरी गुड सर वेरी वेरी गुड सर 448 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चले आओ ओके सर जी हाँ ये क्वेश्चन आप लोग का फेवरेट है सर है ना सर मेरा भी फेवरेट है अब मैच द फॉलोइंग कर दो बेटा ठीक है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कर दो ओके ओके भाई पीडीएफ वाले सर आप थोड़ा पहले आंसर कीजिए पहले आंसर कीजिए मैं पी कोशिश करता हूँ ठीक है हाँ मैं अन अकेडमी वालों को बोल दूंगा एक्चुअली मेरे को आते ही नहीं सर इसका पी कैसे बनाते हैं ना अन अकेडमी वाले कर देंगे आपके लिए ठीक है ओके सर आंसर मी दिस इसको मैच कीजिए सर इसको मैच कीजिए <coughs> क्या आंसर होना चाहिए जल्दी जल्दी कितना देर कर रहे हो भाई कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में अभी तक आंसर नहीं आया मुंताजीर बेटा वेरी गुड मुंताजी बेटा बोला है कि सर जो फाइकोमाइसिटीज है ना सर ये एल्बिगो है एकदम सही बोला एस्कोमाइसिटीज है ना सर ये पेनिसिलियम है वेरी गुड सर बेसिडियोमाइसिटीज है ना सर ये पक्सीनिया है और ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्टर है तो क्या हो जाएगा तो मेरे ख्याल से डी नंबर हो जाएगा ठीक है वेरी वेरी गुड सर वेरी गुड चलो लेट अस सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन सर बायोलॉजी का किसी ने नहीं, नहीं ओके ओके मैं देख लूंगा मैं बात करके मैं कल बात करता हूं उसके बाद में बताऊंगा ठीक है मैंने देखा नहीं है ध्यान दीजिए इसको देखो इन सी फोर प्लांट सी थ्री साइकिल ये तो चीटिंग हो गई भाई ये तो पूरी चीटिंग हो गई C4 फोर प्लांट में सी थ्री साइकिल कहां पे होता है भाई कहां पे होता है जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए इन C4 फोर प्लांट दी थ्री साइकिल टेक्स प्लेस इन बताओ 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 सो so, विद्याधारा विद्याधारा यार बड़ा इंटेलिजेंट है लड़का या लड़की यार थोड़ा कमेंट्स में बताएगा सर वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर करता है हमेशा सही आंसर करता है वेरी गुड सर सो ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट कि सर दिस टेक्स प्लेस इन द बंडल सेल्स ओके और यही उसका रिवर्स नहीं है उसका ये रिवर्स नहीं होता है थ्री में सी नहीं होता बट सी में सी भी होता है सी भी होता है दिस इज अ वेरी वेरी जबरदस्त सब प्लान ओके सो स्टूडेंट्स द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी आउट देयर ओके री गुड लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस द लीव्स ऑफ द ग्रास वे आर फाउंड टू बी रोल्ड इन वर्ड अजीब है भाई द रीजन कुड बी द लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रास प्लांट जो है वो रोल कर जाते हैं अंदर की तरफ क्या रीजन हो सकता है क्या रीजन इसका हो सकता है सर वॉट कैन बी द रीजन ओके कम ऑन ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन सर फुल सिलेबस रोज होता है क्या रोज तो नहीं होता है यार लेकिन uh, कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे रोज करने का अभी पहले आज का देखिए ओके यस सर वेरी गुड द प्रेजेंस ऑफ द बली फॉर्म सेल्स ओके ये जो बली फॉर्म सेल्स होते हैं इन द ग्रास लीव्स दे आर द काउज ऑफ दिस रोलिंग ऑफ द लीव्स टू द इनर साइड ओके वेरी गुड श्वेता कुमारी महेश बास्की सुभम अंजू बनोदिवेक ओके सर एंड वगीसा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इसको देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है द डेफिशंसी ऑफ बिच ऑफ दीज एलिमेंट्स इंटरप्ट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस The deficiency ऑफ which ऑफ दीज elements इंटरप्स द फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर ड्यूरिंग photosynthesis? जल्दी से आंसर कीजिए सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन है अरे यूट्यूब वालों क्यों चिटिंग कर रहे हो कमेंट सेक्शन बच्चे लोगों का जल्दी जल्दी आने दो तो हे अव गॉड द एम एन एंड द सी एल ठीक है मैग्नीज़ एंड द क्लोराइड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोलाइसिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस वन इसको देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ द क्रेप साइकिल हैव गॉट चार कार्बन पांच कार्बन एंड छे कार्बन रेस्पेक्टिवली फोर कार्बन फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन रेस्पेक्टिवली सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी द आंसर वेटिंग फॉर योर एंसर सेयर और देखो जोलंग भी गलत कर रहा है एकदम माइनस करना नहीं भूलिएगा जैसे मैंने देख लिया है श्वेता कुमारी का आंसर गलत है ओके और भी देखा है मैंने मोहब्बत जिसान का भी गलत है ईसा तिवारी का भी गलत है जो गलत है तो गलत है भाई एकदम ठीक है तो स्टूडेंट्स द आंसर्स आर गोइंग टू बी वट देखो यार ये क्या बोला है पांच कार्बन हमको तो सबसे पहले पांच कार्बन हमेशा याद रहता है वो क्या है सर वो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ठीक है अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद तुम्हारा डी होगा तो एक कार्बन और कम हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू तो बी हेयर और स्टूडेंट अल्फा कीटो से पहले वाले स्टेप्स में क्या आया था तो साइट्रिक एसिड आया था तो ये है तुम्हारा छे कार्बन तो आंसर विल बी सेकंड नंबर ओके वेरी वेरी गुड सर लेटेस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गो फॉर दिस देखिए सर यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिखाया गया है ठीक है सर और पूछा गया है कि जो एरो है जो तीर है सर ठीक है वो एरो क्या चीज के ऊपर डायरेक्टेड है व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर ठीक है अगर मान लो इसको मैंने एम नाम दे दिया तो ये आखिर क्या है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स कम ऑन आंसर मी दिस प्यारा सा क्वेश्चन जबरदस्त हो भाई तुम लोग जबरदस्त हो कि सर दिस इज अ ऑफसेट सर दिस इज अ ऑफसेट वेरी वेरी गुड सर नाइस आंसर ऑप्शन नंबर बी आउट देयर वेरी गुड लेट पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन गो फॉर दिस वन इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्रोमोजोम नंबर ऑफ द गैमेट्स इज 17 गैमेट में 17 क्रोमोजोम नंबर है क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस में आखिर कितने होंगे इसके न्यूक्लियस में आखिर स्टूडेंट प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस में व्हाट विल बी द क्रोमोजोम नंबर ओके वेरी गुड रोहन बहुत सही बताया बेटा कि सर दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिप्लॉयड टिश्यू थ्री एन ओके गले में खिंच खिच कुछ लेते क्यों नहीं है बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है भाई यहां पे सो so, गॉट एन का वैल्यू 17 तो 3n का वैल्यू हो जाएगा 51 सिंपल मैथ्स है आंसर इज द डी नंबर नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन इसको देखिए तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पोल पिस्टिल इंट्रैक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो अब आराम से रीड कीजिए सर आराम से रीड कीजिए और अरेंज कीजिए पहले क्या फिर क्या फिर क्या जब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा वाह सर अवनीश चौधरी पूजा गुप्ता ये लोग दोनों बोल रहे हैं सर कोरोना सर जी अरे भाई बताओ कितने बदमाश बच्चे हैं मतलब चाहते हैं कि सर को कोरोना हो जाए बताओ 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 एक हम हैं कि इन लोगों को डॉक्टर बनाने में लगे हैं और ये लोग हमें पेशेंट बनाने में लगे हैं सो सैड आउट देयर बट आप जैसे ही और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी दुआएं हमारे साथ हैं ठीक है सर कि आंधी तूफान कुछ भी आता बट सर को कुछ नहीं होता है वेरी वेरी गुड आंसर मी दिस क्वेश्चन आंसर मी दिस क्वेश्चन हियर तो बहुत लोगों ने आंसर तो दिया है सही दिया है गलत दिया है ओके okay, सर तो ध्यान से देखिएगा सर और मेरे को आंसर बताइए देखो सर सबसे पहले क्या होता होगा सबसे पहले होता होगा द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ठीक है सर इसके बाद क्या होता होगा द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब आउट देयर ठीक है सर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब आउट देयर स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता होगा सर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द दूल फिर क्या होता होगा सर फिर होता होगा द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब हो गया ना सर इंटू दूल फिर हेयर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन टू द एम्ब्रियो सैक एंड फाइनली द रिलीज ऑफ द मेल गार्मेट इंटू द एम्ब्रियो सैक ठीक है सो दिस शुड बी द एंसर आई थिंक पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ओके सर चलिए ना लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आउट देर लेटस सी आउट दिस वन आइडेंटिफाई द मिस मैच इसमें से कौन सा स्टूडेंट मिस मैच है इसमें से स्टूडेंट कौन सा मिस मैच है ठीक है सर जी चलो एंसर मी दिस क्वेश्चन एंसर मी दिस प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे मिस मैच लग रहा है चलिए बी क्विक एवरी बडी वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज प्यारे प्यारे से रिप्लाइस एंड वट वी कैन सी है वेरी गुड प्रसन्ना महेश श्वेता कुमारी सर ये जो आप देख रहे हो ना ये जो सिनर्जिट सेंसर ये डिप्लॉयड नहीं होते ये क्या होते सर सिनर्जिट्स आपके हेप्लॉयड होते हैं तो ये यहां पे मिसमैच है ओके वेरी गुड सर लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन इसको देखिए ओके सर okay, यहां पे दो कॉलम्स हैं सर आपको मैच करना है विद द कॉलम बी ठीक है तो ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू मैच देम आउट ट्राई टू मैच देम आउट कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कैन यू मैच देम हियर पढ़ा होगा सर बहुत बार पढ़ाया है ये चलो चलो जल्दी 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 क्विक बी क्विक मुंतजीर बेटा और 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 लोग और लोग विद्याधारा महेकसेन चलो सर एक बार मैं ही देख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है तो देखो जो कैलोट्रॉपीस है वो तो ग्लाइकोसाइड के साथ चला आएगा जो पिसर है इन वर्टिब्रेट्स के साथ चला जाएगा मोनार्क बटरफ्लाई है ये डिस्टेस्टफुल होता है जो फ्रॉक्स हैं ये क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाएंगे सो फाइनली द आंसर क्या होना चाहिए वन का एस ओके टू का पी थ्री का क्यू एंड फोर का आर आंसर विल बी बी नंबर आंसर विल बी बी नंबर ओके वेरी गुड सर नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इसको देखो आर ओ पी जीन विच कोर्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मेड पी थ्री ट्वेंटी टू इन दोकेटेड एट द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ ओके सर कम ऑन आंसर मी दिस क्वेश्चन आंसर मी दिस क्वेश्चन आरोपी जीन क्या बोल रहे हो भाई सौम्या राम बोल रहा है सर मुझसे नाराज हो आप सर जी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी बेटा तो मैं कैसे नाराज हो सकता हूं ठीक है हम्म hmm. मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से नाराज नहीं होता भले वो अच्छे कमेंट्स करे या बुरे कमेंट्स करे ओके okay? चलो सर आंसर बताइए मेरे को सो वेरी वेरी गुड आंसर वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट देखो सर एन टी खोल के देखिए जो डायग्राम बना होगा डायग्राम में स्टूडेंट्स यहां पे आप देखेंगे कि आरोपी जीन बना होगा और वहीं पर आपके पास दिखाया होगा पी वी यू टू ओके तो दिस इज द सेम एरिया ऑफ द पी वी यू टू ऑप्शन नंबर सी ओके वेरी वेरी गुड सर नाव लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन देखो सर बिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टूल्स अलाउज द डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरियम और वायरसेस बाय एम्पलीफाइंग देअर न्यूक्लिक एसिड ओके okay, सर बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी लोग बताएंगे इसका आंसर दैट कौन सा यहां पे स्टूडेंट्स अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में भी रहे तो उसे डिटेक्ट करने में मदद करेगा एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी आउट देव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है गो फॉर दिस वन सोरगुम एंड द सुगर केन प्लांट्स, दे सो सैचुरेशन वेन किस कंडीशन में वो लोग सेचुरेशन शो कर देंगे बताइए जो सोरगुम है एंड द सुगर केन प्लांट है आखिर किस कंडीशन में वो लोग सेचुरेशन को शो करेंगे <coughs> प्रसन्ना रोहिल्ला वेरी गुड तनवीर आलम क्रेजी स्टूडेंट्स दोनों के दोनों प्लांट्स जो हैं दीज प्लांट्स आर द सी फोर प्लांट्स दोनों प्लांट्स कैसे प्लांट हैं सी फोर प्लांट्स हैं एंड सी फोर प्लांट्स सो द सैचुरेशन एट द थ्री सिक्सटी पी पी एम ऑफ द सी ओ टू ओके सर वेरी वेरी गुड सर लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन इसको देखिए

बहुत सारे लोगों का गलत जवाब आ रहा है कुछ सही भी है कुछ सही भी है वट आई कैन सी हेयर तनबीर आई थिंक यू गॉट दिस रॉन्ग दिस टाइम ओके एंड पूजा गुप्ता उषा मामले रोहन ओके सब देखो जो तुम्हारा पायरोवेट बनता है ना पायरोविक एसिड को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटू पीईपी उसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो दिस इज एक्चुअली द एक्स्ट्रा स्टेप बेयर द यू नीड मोर एटीपी इन केस ऑफ द सी फोर प्लांट्स दैट्स वाई दैट प्रोसेस इज मोर एक्सपेंसिव आउट देयर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन हेयर स्टूडेंट्स गो फॉर दिस वन ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है बताइए सर जी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज गोइंग टू बी वॉट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी गोइंग टू बी वॉट ओके बहुत ही इजी है सर बहुत ही ईजी है सही आंसर बताएंगे इसको द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज गोइंग टू बी वॉट आए साना साइक मुंतजीर महक सेन प्रसन्ना विवेक ओके सर वेरी वेरी गुड सो द करेक्ट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी पहला डिवीजन फिर क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली फिर ट्राइब ये ही यहां पर थोड़ा एक नया था फिर जीनस फिर स्पीसीस ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो ट्राइब होता है वो फैमिली के बाद आएगा ठीक है ओके सर वेरी गुड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन हेयर इन अस्टोमेटल एपरेटस द सेलॉजिक माइक्रो फाइब्रिल्स आर ओरिएटेड ओके सर किस टाइप का ओरिएंटेशन होता है फॉर द माइक्रोफेब्रिल्स इन द इस्टोमैटल एपरेटस कम ऑन स्टूडेंट्स बी क्विक हेयर कम ऑन स्टूडेंट बी क्विक हेयर वेटिंग फॉर योर रिप्लाइस किस टाइप का अरेन्जमेंट होता है फॉर द सेलोजिक माइक्रो फाइब्रिल्स ओके very good vidyadhara mahak jassi muntazir crazy okay the correct answer here that they are radially arranged in the cell walls of the guard cells okay very very good sir the correct answer here will be the option number 2 next question now <coughs> tryptophan synthesis carboxylase activity अपने से रीड कर लो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है ओके सूस आर देयर वे ओके सर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी Just wait, students. Okay, we will continue. We will continue. Just wait. <laughs> तो माई डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द जिंक ओके चलिए रीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इसको देखिए अभी मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला ठीक है तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद से क्वेश्चन को रीड कीजिए द एमिनो एसिड विच प्लेस अ सेंट्रल रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं ओके आंसर मि दिस द एमिनो एसिड विच प्लेस अ सेंट्रल रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट ना 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 व्हाट द हेल यू आर गिविंग द एंसर व्हाट द हेल यू आर गिविंग द एंसर आंसर क्या क्वेश्चन बोला है आपसे एमिनो एसिड पूछा जा रहा है आपसे एमिनो एसिड पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ यू आर एंसरिंग एसिड द करेक्ट एंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ग्लूटामिक एसिड ठीक है याद देखिए द एमिनो एसिड विच इज प्लेइंग द सेंट्रल रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ग्लूटामिक एसिड आउट देयर कहा ध्यान है भाई कहां ध्यान है आप लोग का ठीक है ओके सर नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर which of the following contraceptives could be effective in avoiding pregnancy if used in seventy two hours after casual unprotected intercourse. Matla we are talking about emergency contraceptives. Come on students, answer me this question. Come on, answer me this question here. okay, very very good sir. sir this is a combination of progesterone and the estrogen okay? चलो सर चलिए ठीक है सर एक क्वेश्चन था बट अभी नहीं पूछेंगे थोड़ा आवाज में मेरे को भी इशू से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन वेन द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड एट द एम्पुलरी रीजन जब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है एट द एम्पुलरी रीजन द ओवम फेल्स टू मूव फ्रॉम बहुत ईजी क्वेश्चन है बट फिर भी कम ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन कम ऑन आंसर मी दिस क्वेश्चन कि अगर हमने एम्पुलरी रीजन में ब्लॉक किया है तो क्या इश्यूज होंगे ओके okay, सर कहां से कहां मूवमेंट नहीं हो पाएगी ओके वेरी गुड सलोनी पूजा रत्ना ओके सर तो द करेक्ट आंसर है विल बी फ्रॉम द इन फंडिबुलम टू क्योंकि इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है वो एरिया होता है तुम्हारा द एम्पुलरी रीजन ठीक है ओके गुड डियर स्टूडेंट्स अगेन एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आखिर फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर कहां पर होती है फर्टिलाइजेशन ओके okay. कम ऑन मी क्या नाम है यार तुम्हारा <laughs> दामिनी तिवारी मैडम बस एक ही बार आंसर कीजिए ठीक है मैं देख लूंगा एक बार में मैं देख लूंगा वेरी गुड यू हैव करेक्टली बट केवल एक बार ताकि और सभी बच्चों का भी आंसर देखे बगीसा गोस्वामी एकदम गलत जवाब है आपका कान पकड़ के मुर्गा बन जाइए ठीक है, है? एकदम गलत जवाब है मुर्गा बनिए मुर्गी बनिए लेकिन बन जाइए और हेयर वी हैव गॉड सचिन गुप्ता प्रतीक अवल ओके एवरी सर जी क्या पूछा गया है फर्टिलाइजेशन फेज पूछा गया है फर्टिलाइजेशन होता है इन द स्टोमक ऑफ द मॉस्किटो ठीक है इन द स्टोमक ऑफ द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो में स्पोरोजॉय स्टोर्ड होते हैं ठीक है ओके लेट्स सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन इन बिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्री जेमीना इज लोकेटेड किस पार्ट में कॉर्पोरा क्वाड्री जेमीना लोकेटेड होता है ओके इन बिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉड दिस करेक्ट नीतू सिंह सर मेरा एक बार नाम ले लो जरूर ले लिया मैडम होप यू आर हैप्पी नाउ ओके चलो सर वेरी वेरी गुड सर हेयर इज द्रेन देखो यार आप लोग बोलते हो सर, मेरा नाम ले लो यारोटिवेटेड फील होगा लेकिन आप लोग खुद चिटिंग करते हो मेरे साथ फिर से चिटिंग किया आज भी चिटिंग किया है लाइक बटन तो दबाते ही नहीं हो ठीक है सर दूसरे क्लास में जाओगे तो क्लास शुरू होने के पहले ही लाइक बटन प्रेस कर दोगे लेकिन मेरे से तो दुश्मनी है आप लोगों की पता नहीं सर है तो प्लीज सर एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर दिया कीजिए चलिए स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये तुम्हारा मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है ठीक है वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए तो सर यहाँ पे आपको फीटस में ऑर्गेनोजेनेसिस के सभी स्टेप्स दिखाए गए हैं कि किस महीने में क्या होगा आप देखिए तो सर कौन सा सही है यहाँ पे यहाँ पे कौन सा सही है ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ द फीटस को आपको मैच द फॉलोइंग करना है ओके सर अंजू बोल रही है सर मैंने आते ही हाँ सर वेरी गुड वेरी गुड अंजू मैडम सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का पहले फिर मैं बात करूंगा ओके आ, सौम्या राम बेटे क्या बात है क्या बात है सौम्या राम मुंतजी क्रेजी मैंने सबका आंसर देखा है कौन कौन गलत कर रहा है मुझे को पता है ठीक है कौन कौन गलत कर रहा है अच्छे से पता है मेरे को तो चीटिंग कोई नहीं करेगा ठीक है देखो सेपरेशन ऑफ द आईलिड सबको पता है ये एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया है सबसे लास्ट में दिया है मतलब ये सिक्स मंथ पे दिया हुआ है हेयर ऑन द हेड ये तुम्हारा पांचवें महीने में है लिम्स एंड द डिजिट्स ये सेकेंड मंथ में है और हार्ट जो है ये फर्स्ट मंथ में है तो अब देख लो सर एक का सी होना चाहिए वेरी गुड और चार का ए होना चाहिए सो द करेक्ट आंसर हेयर इज द डी नंबर ओके वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर हेयर इज द ऑप्शन नंबर डी ओके वेरी गुड सर ओके स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवेन इन द फोटो फोटो में कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है पहचानिए तो सर यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इनको पहचानना है इनको पहचानना है एन का ही है सर एकदम स्क्रीन शॉट लेके लगाया है थोड़ा मैं हट जाऊँ क्या आ, आ, दो हट गया भाई हट गया देख लीजिए देख लीजिए पहले है ना सर ओके एवरीबडी सो दिस ओके नाउ आई एम बैक हेयर सो स्टूडेंट्स देखो आ, इसमें तो सर अल्कोहल ग्रुप डाला हुआ है तो एल्कोहल ग्रुप वाला बस एक ही है तो फट से आंसर हो गया सर है ना सर ये तो सर बता ही नहीं सर ये कौन है ये ए है ये बी है और ये सी है ठीक है तो जो सी है स्टूडेंट्स वो तुम्हारा सेरीन है जिसमें मिथाइल ग्रुप है वो एलानिन है जिसमें हाइड्रोजन है वो ग्लाइसिन है आंसर इज द थर्ड वन ठीक है चलो वेरी गुड सर नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ डी एन ए इन कॉम्पेरिजन टू आर एन एके सर कौन सा स्टूडेंट डी एन ए की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है इन कॉम्पेरिजन टू द आर एन ए वट शुड बी द एंसर वट शुड बी द एंसर हेयर कम ऑन माइ डियर स्टूडेंट्स टेल मी बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ द डी एन ए इन कॉम्पेरिजन टू द आर एन ए Okay, waiting for your प्यारे प्यारे से देखो, डी ऑक्सीडाइबोसुगर यस सर इसके कारण से इसके पास लेस ओ एच होता है मोर स्टेबिलिटी था इसके कारण से मिथाइल ग्रुप होता है मोर स्टेबिलिटी एबिलिटी टू एक्ट एंजाइम एंजाइम का जैसा आरएनए एक्ट करता है नॉट द डीएनए, तो ये आंसर नहीं होगा एबिलिटी टू रिपेयर ये सही है सो आंसर विल बी द थर्ड नंबर ठीक है गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर इस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग का फेवरेट है ये कोकोनट वॉटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट आखिर किस चीज का बना होता है ये जो कोकोनट वाटर होता है स्टूडेंट्स, ये आखिर किस चीज का बना होता है ओके ऑन सर आंसर मी दिस क्वेश्चन हेयर। कोकोनट वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ वॉट कोकोनट वाटर चलिए सर वेरी गुड सर ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट दिस द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पॉम ठीक है सर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पॉम ठीक है लेकिन आप लोग बताइए कि जो ये नारियल पानी जो लोग बेचते हैं वो आपको कभी फ्री में देंगे हैं उनको जाके अगर आप बता दोगे कि देखो यार तुम्हारा जो कोकोनट वाटर है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोसफॉर्म है ये मेरे को दे दो फ्री में हैं बड़ा महंगा बेचते भाई बड़ा महंगा बेचते अभी मैंने एक दो दिन पहले खरीदा था तो फोर्टी रुपीज़ का मिला था मेरे को आप लोग के उधर में कैसा है हैं मेरे को तो फोर्टी रुपीज़ में यहाँ रांची में हमारे रांची में फोर्टी रुपीज़ का मिलता है सर एक ओके स्टूडेंट्स लेट अस सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके सर सो नो मोर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सो दिस इज द एंड ऑफ द टूडे सेशन कल स्टूडेंट क्लास की टाइमिंग रहेगी कल की क्लास की टाइमिंग रहेगी स्टूडेंट्स 9:30 ठीक है कल रात को 9:30 में मिलेंगे और कल 9:30 में जो टेस्ट है देख लीजिएगा सर मेरे ख्याल से कल क्लास 12 का होगा ठीक है सर जी सो स्टूडेंट्स लेट्स क्लोज द today's session होप everybody enjoyed ईच एंड every बिट ऑफ today's questions ठीक है सो so, कल आ जाइएगा 9:30 में और स्पेशल क्लासेस जैसे होते हैं सर स्पेशल क्लासेस दोपहर में शायद तीन बजे ना सर दोपहर में तीन बजे और प्लस वालों का भी जैसा क्लास होगा दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू तो अभी क्या करने वाले हो अभी जाके सो जाओगे क्या अभी जाके सो जाओगे क्या नहीं सर अभी अभी थोड़ा देर और पढ़िए ठीक है तो स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू ऑल कि कम से कम रात को एक बजे तक जरूर पढ़ा कीजिए ठीक है सर एक बजे तक पढ़ा कीजिए सर रात को 1 पी तक और उसके बाद सुबह में 5 पीएम पे उठ जाया कीजिए ठीक है सुबह में 5 पी पे अब तुम बोलोगे कि सर केवल चार घंटे सोएंगे सर अब एग्जाम भी तो आ गया है ना सर तो बस थोड़े दिनों की बात है थोड़े दिनों की बात है सर 10-12 दिन आपको यह शेड्यूल फॉलो करना है चार पाँच घंटे से ज़्यादा अभी नहीं सोना है ये लोग जो बोलते हैं ना आपको कि सिक्स आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी एट आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी अब ये सब करोगे तो नेट क्वालिफाई नहीं होगा ठीक है तो लास्ट समय में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस होना चाहिए तो कम से कम एक बजे तक पढ़िएगा सर और पाँच बजे फिर सुबह में उठ जाइएगा ठीक है सर बाय एवरी वन थैंक यू लेट्स क्लोज द सेशन गुड नाइट फ्रॉम माई साइड बाय एवरी वन थैंक यू